मध्य प्रदेश में चुनाव के परिणाम में 24 घंटे से कम का वक्त रह गया है। इसी को लेकर मतगणना स्थल पर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर में भी 9 विधानसभाओं का भविष्य तय होना है। यह भविष्य इंदौर के नेहरू स्टेडियम में स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम मशीन के माध्यम से तय होगा। उसी के चलते सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बात की जाए विधानसभा 3 की, तो यहां सबसे पहले परिणाम आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वहीं विधानसभा 5 और सावेर में परिणाम देर से आएगा। वहीं ठंड के मौसम में हो रही बारिश का आसार भी इस बार मतगणना पर पड़ने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के तहत 3 दिसंबर को बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और उसी के चलते जिला प्रशासन ने मतगणना स्थल पर बारिश के अनुसार व्यवस्था कर ली है। कल की अगर बात करें तो कल हमको कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और सवेरे सवेरे हो सकता कोहरा देखना मिलेगा, लेकिन कल जो सामान्य तापक्रम है अधिकतम वाला वो 23 और 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 16 और 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना व्यक्त की जाएगी। हाँ, हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत कल मतगणना होनी है और मतगणना के तहत अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर की 9 विधानसभाओं का कल जो भविष्य है वह नेहरू स्टेडियम में तय होना है। जो स्ट्रांग रूम है वो नेहरू स्टेडियम में बनाए गए हैं और नेहरू स्टेडियम के चलते जो कल जो मतगणना है वो यहीं पे होनी है। जो स्ट्रांग रूम है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। सभी 9 विधानसभाओं की मतगणना यहाँ पर होगी। उसी के लिए जो तैयारियाँ हैं पूरी तरीके से कर दी गई हैं। जो सिक्योरिटी है यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, कड़ी सुरक्षा की गई है। साथ ही अगर बात की जाए कि किस तरीके से जो वोटिंग है वो होगी, तो सुबह से जो 8 बजे से जो है वह वोटिंग शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे जो है ईवीएम मशीन जो है खोली जाएगी, ईवीएम मशीन की जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लगभग जो सूचनाओं मिल रही है और सूचना के आधार पर अगर देखा जाए तो जो टेबलें बढ़ाई गई हैं इस बार, जो देखा गया है कि 16 टेबलें कर दी गई हैं कुछ विधानसभा में जो है 20-20 टेबलें कर दी गई हैं। सबसे पहले जो परिणाम आने की जो संभावना है वह 3 तारीख को व्यक्त की, सबसे पहले जिस चीज का जो रिजल्ट आएगा, जिस विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वह विधानसभा 3 का बताया जा रहा है कि विधानसभा 3 में जो है सबसे पहले जो है रिजल्ट आ जाना है। और सबसे अगर आखिरी में अगर बात की जाए तो विधानसभा 5 को जो रिजल्ट है वह आने की बात कही जा रही है। जो टेबलें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। लगभग जो 12 घंटे की जो काउंटिंग है वो बताई जा रही है। एक राउंड सबसे जो होगा वह 40 मिनट का होगा और 40 मिनट के चलते जो है जो राउंड है वो सारे देखे जाएंगे। जो सबसे कम बूथ है वह अगर देखा जाए, जो सबसे कम बूथ रहे हैं वह विधानसभा 3 में रहे हैं और विधानसभा 3 का रिजल्ट सबसे पहले आ जाएगा। अगर रिकाउंटिंग नहीं हुई तो रिजल्ट जो है परिणाम वो 8 से 9 बजे तक जो है सारी विधानसभाओं के आने की संभावना है। वहीं अगर मौसम की अगर बात की जाए तो इस मतगणना पर पूरी तरह से जो है मौसम का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। उसी के लिए जो है पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जो मतगणना है वह तो स्ट्रांग रूम में होनी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात की जाए जो मीडिया कर्मी रहेंगे, जो अन्य कर्मचारी रहेंगे, या फिर बात की जाए जो प्रत्याशी रहेंगे, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर टेंट की व्यवस्था जो है कर दी गई है। जो डॉम है वो बना दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो परेशानी है कल नहीं हो, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक है लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जो कल जो बारिश का जो दौर है 4-5 तारीख तक लगातार जारी रहेगा और उसी के चलते कल भी जो है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कल भी जो हल्की फुल्की जो बारिश है वो कई इलाकों में हो सकती है। तो सतर्कता रखते हुए सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई है। सभी जगह जो टेंट है वो लगा दिए गए हैं, डोम है वह लगा दिए गए हैं, ताकि बारिश का असर किसी भी तरह से जो है मतगणना पे ना पड़े। और जो मतगणना के दौरान जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, या फिर जिन लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, वह चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे पुलिस कर्मी हों, या फिर अन्य विभाग के हों, तो उन लोगों की जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है और उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ खुशबू यादव, एशियन भारत, इंदौर।